नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। जब से सूबे की सत्ता योगी सरकार के हाथों में आई है, तभी से मानो प्रदेश के अपराधियों, माफिया और बाहुबलियों की सामत सी आ गई है और आए दिन कहीं बुलडोजर तो कहीं एनकाउंटर हो रहा है। सीएम योगी ने भी साफ साफ ये बात कह दी है कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उन्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी अपराधी हैं कि सुधरने का नाम तक नहीं ले रहे हैं और आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं कि यूपी पुलिस को गोली का सहारा लेना ही पड़ जाता है। बता दें कि सीएम योगी के आने के बाद प्रदेश में गायों की सुरक्षा के लिए कान्हा गौशाला की व्यवस्था के साथ ही आवारा गायों को पालने वालों को भी राशि की व्यवस्था की गई। लेकिन एक तरफ जहां गायों की सुरक्षा के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गायों की हत्या कर उनका खून बहा अपनी जीभ और जेब भर रहे हैं, जिसमें से एक आरोपी दानिश भी था जिसको अब पुलिस ने गोली मार उसका टिकट काट दिया है। बता दें कि अमरोहा के डिडोली थाना इलाके में गन्ने के खेत में घुसकर चार लोग गौकशी कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस के मुखबिर ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर गन्ने के खेत में ही गायों की हत्या करने वालों का हो गया एनकाउंटर। इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से जबरदस्त गोलियों की बारिश हुई और फिर अंत में एक बदमाश को गोली लगी और वहीं वो बदमाश घायल होकर गिर पड़ा और फिर पुलिस ने दानिश को पकड़ लिया, पर दानिश के साथ ही मौके से फरार होने में कामयाब रहे। घायल हुए बदमाश को पुलिस ने फिलहाल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है ताकि उसकी पट्टी मरहम हो सके और फिर उसके बाद पुलिस थाने में रिमांड। पुलिस की पूछताछ में दानिश ने बताया कि वो बहुत लंबे समय से इसी तरीके से चोरी छिपे से गौ तस्करी का काम कर रहा है और साथ ही उसने बताया कि वो गायों की हत्या कर गायों का मीट सप्लाई करता है। पुलिस ने तस्करी में बरामद गाय के शव को गड्ढा खोदकर दफना दिया है, साथ ही गाय के बछड़े को सकुशल बरामद कर गौशाला में उसकी देखरेख के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र के ग्राम पलुला में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में गाय काटने की फिराक में हैं। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो एक गाय काट चुके थे, पुलिस ने एक बछड़े को बचा लिया। मौके से एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से एक मोटरसाइकिल, गाय काटने के औजार तथा तमंचा मिला है। तीन फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। सर, इस पर कोई आपराधिक इतिहास था? जो तीन फरार हैं उनमें से एक का आपराधिक इतिहास है, बाकी से इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को क्या इनाम दिया जा रहा है आपकी ओर से? गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कार दिया जाएगा। गिरफ्त में आए दानिश से पूछताछ के जरिए पुलिस गौ तस्करों के और गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और साथ ही मौका देख फरार हुए गौ तस्करों की तलाश भी चल रही है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी, धन्यवाद।